सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। गोरी शुमोना गई थी, जली हुई शुमोना वापस आई है। सो यू नो 50 शेड्स ऑफ ब्राउन राइट हियर इन क्वांटिटी काफी थे, करेक्ट? बट आई वाज लाइक ओ ओ प्रोमो दैट यू विल सी, जो लास्ट का जो मैं जंप लेती हूँ, इट वॉज लिटरली डेडिकेटेड टू माई मदर, माई बायोलॉजिकल मदर। फिजिकली ही लुक्स सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्कैरी, बट ही इज नॉट। I mean, at least मेरे साथ वो equation नहीं था, क्योंकि सर और मैं पहले भी मिले हैं, सर मेरे शो में आए हैं as a guest, अब मैं सर के शो पे गई as a contestant, full circle, full circle। 27 जुलाई को खतरों के खिलाड़ी ऑन एयर होने वाला और हम सब उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। उसके पहले हम कंटेस्टेंट से कर रहे हैं गपशप, सुबह से लगे हुए पड़े हम। अब मेरे साथ इस वक्त है शमोना, आइए करते हैं इनसे बहुत सारी गॉसिप्स, जानते हैं रोमेनिया में क्या फन किया जो हमें नहीं पता है। हेलो शमोना, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हो आप? मैं बहुत ज्यादा अच्छी और ठीक हूँ, सही सलामत एक पीस में वापस आई हूँ। क्वाइट लिटरली यस। अगर कम शब्दों में आपसे पूछना चाहूंगी, आपका कंप्लीट खतरों के खिलाड़ी का जर्नी अलोंग विद हाउ वाज रोमेनिया फॉर यू, तो आप कैसे बताओगे? स्टार्टिंग विद गोरी शुमोना गई थी, जली हुई शुमोना वापस आई है। सो यू नो 50 शेड्स ऑफ ब्राउन राइट हियर। तो रोमेनिया ने काफी जलाया है हमें धूप ने, क्योंकि वहाँ पे 40 डिग्री जो टेम्परेचर था और हम जो 40 दिन शूट कर रहे थे वहाँ पे धूप में सुबह से लेके रात तक, क्योंकि वहाँ सनसेट होता था रात के 8:30-9 बजे, तो हम सुबह 6-7 बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक काम करते थे, क्योंकि डे लाइट होती थी। तो ना ब्रेकफास्ट का आइडिया पता चल, एक्चुअली स्पेशली डिनर का पता ही नहीं चलता, क्योंकि जो होता है ना कभी डे लाइट एंड आपको बॉडीली नहीं समझ में आता क्या हो रहा है, और जो स्टंट्स हम कर रहे थे वैसे ही नहीं पता चल रहा था कि हो क्या रहा है हमारे साथ। बट रोमेनिया बहुत मजेदार था। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा रोमेनिया रोम करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि हम लोकेशन टू लोकेशन करते थे। किसी किसी कुछ ऐसे भी दिन थे जब हम दिन में 3 बार शिफ्टिंग करते थे, 3 अलग अलग लोकेशन पे जाते थे, तो बेसिकली हम वर्क 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 यही करते थे और अपने होटल जाते थे और सोते थे, नहाते थे, सोते थे, उठ जाते थे, वर्क। तो बेसिकली हमारा स्केड्यूल बहुत ही ज्यादा टफ था, तो इतना मौका नहीं मिला। जैसे कि मैंने अभी कुछ लोगों से बात की, शुभोना 40 दिन काम किया ये तो मैं मान गई, पर 2-3 दिन में ऑफ तो मिला है आप लोगों को, उसमें क्या मौज मस्ती की है ये बताओ। तो जो 2-3 दिन ऑफ होते थे ना, दो एक्चुअली एक हर 6th डे पे एक ऑफ होता था, जो स्टंट से ऑफ होता था, जो क्रू को ऑफ मिलता था, हमें ऑफ नहीं मिलता था, क्योंकि उस दिन हम रियलिटी शूट करते थे। तो एक रियलिटी टीम था, क्रू था, जिनके साथ हम शूट करते थे। अब हाँ, उस दिन हम सब एक साथ नहीं शूट करते थे, तो जिसको आगे पीछे किसी का हुआ नहीं हुआ, तो कभी कभार मिल गया ऑफ। तो ऑनेस्टली मैंने जब मुझे वक्त मिला, मैं सोई, स्विमिंग किया, मसाज गई, क्योंकि एक पुर्जों में जो दर्द होता था, करेक्ट? तो जब भी मौका मिलता था मैं मसाज के लिए जाती थी, करेक्ट? और स्विमिंग करती थी, थोड़ा स्टीम वीम लेती थी, स्टीम, सोना, जकूजी, सोती थी, खाती थी, फिर सो जाती थी। तो हम यही करते थे, ईट, स्लीप, मसाज, रिपीट। आई लव जब स्लीप को इन्होंने इतना अटेंशन दी, शी इज माय सोल एनिमल गाइस, क्योंकि वो नहीं मिलता था करने को स्लीप। तो खतरों की बात हो रही है और इंजरीज की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि यू आर ग्लैड आप वन पीस में आओ, तो मेजर इंजरी यू वेंट थ्रू? नॉट रियली, मेजर कुछ भी नहीं, बट अब जो होता है यहाँ ब्रूज वहाँ ब्रूज, दीस आर वेरी नॉर्मल थिंग्स, बट इन क्वांटिटी काफी थे, करेक्ट? बट आई वाज लाइक ओ ओ जो दिखता नहीं है पर नहाते वक्त जलता है, अरे वो तो वैसे बहुत खुद ही, मतलब आई एम टेलिंग यू, 2 महीने बाद वापस आके मैंने, आई वेंट फॉर मैनिक्योर पेडिक्योर यस्टरडे, मेरे को 2 दिन ही हुए वापस आके, और इतनी ह्यूमन वाली फीलिंग आई ना, इट्स सो क्लीन सडनली, क्योंकि मतलब वहां पे हम लिटरली
वक्त मिलता था तो बस नाखून थोड़ा सा भी बड़ा ना काट लेते थे, बिकॉज यू डोंट वांट टू लग गया निकल आया कुछ हो गया, तो वो तो जाने के पहले ही सब काट कूट दिया था, सब नेल पॉलिश निकल गए थे, सब लाइक एकदम बेसिक वंडरफुल इस पे गए थे। हमने आपका प्रोमो देखा, ठीक है, एंड वी सॉ यू गिविंग योर ऑल। मैं जानना चाहती हूँ वो जब ऊपर जाके जब फटती है ना, तो वो कौन सा मंत्र बोलते हो आप? व्हाट इज दैट यू आर सेइंग? ऑनेस्टली मैंने किसी भी स्टंट में कुछ भी नहीं बोला सिवाय उस एक स्टंट के, जो ऑब्वियसली टीम ने कलर्स ने यूज किया, क्योंकि लाइक बिकॉज आई एम सच अ साइलेंट पर्सन अदरवाइज, व्हेनेवर आई एम अंडर प्रेशर आई गो फुल साइलेंट, आई एम अ वेरी टिपिकल कैंसेरियन। हां, तो जितनी भी फटती है वो सब इंटरनलाइज हो जाता है, मतलब कुछ बाहर वोकल नहीं होता। बट I don't know, उस दिन ऐसा हाँ. क्या हुआ कि मेरे अंदर से बहुत कुछ निकला और I found my strength actually every year during Durga Puja. I mean, given that I'm a Bengali, I do the Dhuluchi dance. Correct. In front of Ma Durga. And for some reason that day, it was just a calling that came from within. And it just so happened that I just felt her, I felt my mom, you know, pushing me and holding my hand go through that stunt. Yeah. So I was, the only thing that I kept saying was Durga, Durga. Ji. And in the promo that you will see, jo last ka jo main jump leti hu, it was literally dedicated to my mother, my biological mother. It was literally like, I think, I could literally feel my mother holding me, and, you know, like holding that flag and all of that. So, कोई मंत्र ऐसा, I'm not a very religious person per se, but yeah, I mean, I'm spiritual and I feel energy. That day I felt my mother's hand and Durga Ma's blessing. That day I really wonderful, felt it. I think I needed it probably that day the most. Yeah, wonderful. और खतरों के खिलाड़ी में रोहित शेट्टी से डरते तो सब है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी डांट पड़ी कभी या कोई मोटिवेट किया उन्हें चिल्लाए? आई नो बहुत लोगों को डांट पड़ी है, आई वाज विटनेस टू इट, पर ज्यादा भी नहीं, मुझे नहीं डांट पड़ी, आई वाज नेवर द नहीं मुझे डांट नहीं पड़ी है, बट यस हंसी मजाक एंड आई थिंक ही इज अ यू नो फिजिकली ही लुक्स सो बिग एंड स्ट्रांग एंड स्कैरी इंटिमिडेट बट ही इज नॉट I mean, at least मेरे साथ वो equation नहीं था क्योंकि सर और मैं पहले भी मिले हैं, सर मेरे शो में आए हैं as a guest, अब मैं सर के शो में गई as a contestant, full circle, तो it was very nice, तो एक शूट पे ना जब सर मेरे शो पे आते थे वो बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन होता था, बट यहाँ पे जब आप 40 दिन एक साथ हो और आप सुबह से लेके रात तक, देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ यू जस्ट देयर विद ईच अदर, तो ऑब्वियसली एक बॉन्डिंग होती है, एंड आई थॉट ही इज रियली पॉजिटिव एंड ही इज सच अ ग्रेट एंकर, लिटरली जो शिप का जो एंकर होता है ना, ही वॉज रियली दैट फॉर ऑल ऑफ अस, वंडरफुल, तो उनकी जो आवाज जो आपको यू नो टेक्स यू थ्रू ईच स्टंट, कभी कभी आपका बॉडी गिव अप कर देता है या समझ नहीं पाता कि कैसे करो, और क्योंकि सर टेक्निकली इतने साउंड है, ही नोज द टेक्निकलिटीज ऑफ स्टंट्स, so he really helps you, so I really don't see anybody else hosting the show ever except for Rohit Shetty. We can't agree more with you. Well, that is all that we did in store for you. Thank you so much for thank talking you. To us. Thank signing you so off. Much. This is Nikita Bhagwan, the cameraman Yogesh Keni, India Forums, Mumbai. Hi, this is Shimona Chakravarti here, and you are watching me on India Forums.